आगे बढ़ते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव ब्लॉक मूडा पांडे स्थित मछरिया गांव पड़ा। लगभग 6000 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 15 किलोमीटर ही है। वर्तमान समय में इस गांव के प्रधान कल्लू सिंह हैं, जिन्होंने अपने गांव में सभी तरीके की सुविधाओं से गांव को विकास की पटरी पर लाकर खड़ा कर दिया है। प्रधान ने बताया कि उनके गांव में सरकार द्वारा भेजे जाने वाले सभी तरीके के लाभों को ग्रामीणों को व पात्रों को मुहैया कराया जाता है। बात अगर गांव में शिक्षा की करें तो इस गांव में लगभग 282 बच्चे जूनियर व प्राइमरी पाठशालाओं के अंतर्गत शिक्षा ग्रहण करते नजर आए। ग्राम प्रधान ने बताया कि उनके द्वारा गांव में 28 हैंडपंप भी लगवाए गए हैं, जिससे ग्रामीणों को किसी भी तरीके से पानी की आपूर्ति में दिक्कत ना हो। वहीं बिजली की व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए लगभग 100 बिजली के पोल व 5 बिजली के ट्रांसफार्मर भी गांव में उपलब्ध करा दिए गए हैं। जब एबीपीएस न्यूज टीम ने ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों की समीक्षा की तो पाया कि उनके द्वारा गांव में सीसी सड़कों का निर्माण करवाया गया है, साथ ही नालियों का निर्माण भी ग्राम प्रधान ने करवाया है। गांव में उनके द्वारा शौचालयों का निर्माण करवाकर ग्रामीणों को वितरित भी किया जा चुका है, जिससे गांव को शौचमुक्त बनाया जा सके। व सरकार के द्वारा चलाई गई मुहिम स्वच्छ भारत के अंतर्गत वह गांव अपनी भागीदारी भी दिखा सके। गांव में इंदिरा आवास व प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आने वाले पात्रों को आवास भी आवंटित किए जा चुके हैं। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए प्रधान ने राज्य सरकार व केंद्र सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उनके गांव में एक आंगनवाड़ी केंद्र, पंचायत घर आदि की व्यवस्था कराएं, जिससे ग्रामीणों को किसी भी तरीके की तकलीफ का सामना ना करना पड़े। मैं ग्राम प्रधान कल्लू सिंह, ग्राम पंचायत मछरिया, ब्लॉक मूडा पांडे, तहसील व जिला मुरादाबाद। हमने जो गाँव में कार्य कराए, सोलर लाइटें लेके, सीसी टाइल्स वगैरह, नाली निर्माण और अन्य काम नरेगा से भी कराए गए हैं, और अब हमें डिमांड, हमने नल रिबोर वगैरह कराए हैं। पहले मरम्मत कराई थी, जो रिबोर थे वो रिबोर कराए। आंगनवाड़ी केंद्र की हमें ज़रूरत है, 3 केंद्र हैं, उसमें एक भी केंद्र नहीं है। स्कूल के कमरों में आंगनवाड़ी के बच्चे पढ़ रहे हैं। पंचायत भवन की बहुत आवश्यकता है, कहीं एक नाले निर्माण की पानी निकासी की बहुत आवश्यकता है, जो कि हम सरकार से डिमांड करते हैं। जो कई बार एक स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ बना हुआ है, उसमें कोई एनएम, कोई डॉक्टर वगैरह आज तक आके नहीं बैठा है। उसे कई बार हम सीएमओ को और ज़िले पे लिख के दे रखे हैं, अभी तक कोई सुनवाई उसकी नहीं हो पाई। गाँव के जो रास्ते हैं वो काफ़ी हद तक ठीक कराए हैं, और कराने की आगे भी संभावना है, जैसे जैसे सरकार हमें जो है धनराशि प्राप्त करती रहेगी।